हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी कितनी वेटिंग क्लियर होगी और आपको काउंसलिंग्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि बात किया था कि काउंसलिंग कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आप उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करना है, उस सारी चीज़ों को हमने बात किया है कम्प्लीटली डिटेल में। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे सबमिट करनी है वो मैंने करके भी दिखाया है, तो आप हमारे वीडियोज को जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आई बटन पर मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे सबमिट करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो जैसे ही अगर कुछ भी नोटिस आता है या कुछ भी आएगा तो हम अपने चैनल पर जल्द से जल्द इसको अपलोड करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द आपको उसको अपडेट्स मिल सके। तो जैसे कि अभी क्या हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं एंड इसमें आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज गर्ल्स सारी चीजों सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिलेक्टेड लिस्ट होती है, चांस मेमो लिस्ट होती है एंड वेटिंग लिस्ट होती है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी। तो जैसे कि हर साल देखा गया है कि क्या है कि आपके 100 200 इस टाइप से आपके कट ऑफ, मतलब कि जो बच्चे होते हैं इतने को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि चलो ठीक है आपको सिलेक्शन होगा। तो आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और जितने भी चांस में मोबाइल स्टूडेंट्स यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले ईमेल स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप सोचिए कि आपका वेटिंग में है तो आप अप्लाई नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो सिलेक्टेड है जो चांस में है दोनों आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, दोनों जाकर के आप वहाँ अप्लाई करोगे और देन आपको उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ, फिर आपको जिस हिसाब से सीट्स वैकेंट होती चली जाएंगी उस हिसाब से आपको चांस में वालों को चांस दिया जाएगा। तो सिलेक्टेड लिस्ट के आप सभी का जिसका भी नाम है वो अपने नाम जाके चेकआउट कर सकते हैं, और जिनका भी अगर आप में से जिनका भी नाम है तो वो अपने स्पोर्ट्स वगैरह को आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वेटिंग लिस्ट की तरफ में। तो जैसे कि चांस मेमो लिस्ट, दैट इज वेटिंग लिस्ट। तो चांस मेमो लिस्ट में क्या होता है कि सभी बच्चों को एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो आपके आगे CN1153 जो लिखा है, तो दैट इज अ चांस मेमो लिस्ट, और उसमें आपको कितना है कि 1153 वेटिंग है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों की अलग अलग वेटिंग्स निकलती है। तो अगर आप ऐसे समझ के चलें कि अगर आपका रैंक 150 100 तक है, अराउंड 100 150 के अप्रॉक्स में है, तो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाँ आप इतना सोच रहे कि नहीं नहीं होगा, बट आप हाँ 100 150 तक आप क्लियर मान के चलो कि आपका लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपको आपकी वेटिंग्स क्लियर हो जाएंगी एंड आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्सेस हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स आर्ट्स किसी का भी हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 150 तक आपकी क्लियर इच एंड एवरी टाइम्स होता है। तो इस वीडियो में हमें बस इतना ही आपको बताना था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मेरा इतना रैंक आ गया मुझे बता दीजिए कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रोल नंबर जैसे कि यहाँ पे गिवन है 4043556, तो इनका 47 रैंक है वेटिंग में, तो इनका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, इनको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हाँ इनका क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जिनका भी रैंक इसके आसपास में है या थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हाँ सर मेरा 1153 रैंक है एंड मेरा सर क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर नहीं होगा। जैसे ये 1209, ये ऑटो नहीं होगा क्लियर। ठीक है, तो आपको इन चीज को ध्यान रखना है। और रही अगर आपको जो भी नोटिस आपको आता है एवीयू से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, तो हम उसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको तक पहुंचाएं और आपको सारी अपडेट्स मिल सके। तो इस साल का तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो अगर आई होप आज 20 है तो विद इन अ वीक ये आपको नोटिस बता देगी कि आपको कब रिपोर्ट करना है। ठीक है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग काउंसलिंग, तो ये अभी नोटिस किया जाएगा, सेपरेटली नोटिस किया जाएगा सभी के लिए, और आपको कब पहुंचना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कुछ चीज को ध्यान रखना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने। तो फिजिकल रिपोर्टिंग पे भी हमने एक वीडियो बनाया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और आप कहाँ कहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा सकते हो। तो आप उस वीडियो को भी जाकर के आई बटन पे आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन है, आप आई बटन पे क्लिक करो। आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको उसकी नोटिस वगैरह आपको मिल जाएंगी, आप वहां पे जाकर के आप देख सकते हो कि किस तरीके से फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो आपको ऐसे ही अगर अपडेट चाहिए हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।